एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वन शॉट वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें कुछ फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, फिर इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्लेन फिगर। क्या आता है बच्चों? प्लेन फिगर। और एक होता है सॉलिड फिगर। दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लेन फिगर और एक होता है बच्चों सॉलिड फिगर। ठीक है, प्लेन फिगर हमारे, इसको हम 2D शेप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको? 2D शेप्स। ठीक है, और सॉलिड फिगर को हम क्या कहते हैं? 3D शेप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D शेप्स। अब 2D शेप्स में क्या क्या आते हैं हमारे? 2D शेप्स में जैसे रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, ट्राइंगल आ गया। और 3D शेप में क्या आते हैं? जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, स्फीयर हो गया और हमारा कोन हो गया। ये सारे क्या है हमारे? 3D शेप्स हैं। और 2D शेप्स में क्या आते हैं? स्क्वायर, ट्राइंगल, ठीक है, और हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, और हमारा सर्कल हो गया। ये सारे क्या होते हैं हमारे? 2D शेप्स होते हैं। और ये सारे क्या होते हैं हमारे? सॉलिड फिगर्स होते हैं, मतलब 3D शेप्स होती हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? 3D शेप्स के फॉर्मुलेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्यूबॉइड। क्या आता है बच्चों? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है हमारा? क्यूबॉइड। ये क्या होता है हमारा? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड ये जो होती है हमारी, ये वाली जो साइड है हमारी, ये वाली, इसको हम कहते हैं एल। क्या कहते हैं बच्चों? एल। इसको हम क्या कहते हैं? एल। एल मतलब लेंथ। एल क्या होता है हमारा? लेंथ होता है। ठीक है, और ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसको हम कहते हैं बी। बी से क्या होता है हमारा बच्चों? ब्रेथ होता है। क्या होता है बच्चों? ब्रेथ। ठीक है, और ये जो ये वाली हाइट है, इसको हम कहते हैं एच। क्या कहते हैं? एच। एच से क्या होता है? हाइट। एच से क्या होता है? हाइट। ठीक है, ये हमारी एल हो गई, ये हमारी बी हो गई, और ये क्या हो गई हमारी? एच हो गई। ठीक है, अब आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? और इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं। ये होता क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करा जाता। पूरे जो हमारा क्यूबॉइड होता है उसमें हम लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? चार दीवारों का एरिया होता है। सिर्फ फोर वॉल्स का क्या होता है? एरिया होता है। यही क्या होता है हमारा? लेटरल सर्फेस एरिया, और कह लो कर्व सर्फेस एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू में एच। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टू एल बी प्लस में बी एच। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब आता है हमारा टोटल सर्फेस एरिया। इस पूरे का सर्फेस एरिया क्यूबॉइड का होता क्या है? टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस में एच एल। फिर आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कि इसमें कितना मटेरियल आ सकता है, मतलब कैपेसिटी कितनी आ सकती है इसमें, इसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू में बी इंटू में एच। ठीक है, अब आता है हमारा पैरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। क्या आता है? पैरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, या कह लो लेंथ ऑफ 12 एजेस। एजेस के मतलब लेंथ। ठीक है, 12 एजेस की। ये हो गया हमारा फोर ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस में एच। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। अब आता है हमारा क्यूब। क्या आता है बच्चों? क्यूब। क्यूब किस शेप में होता है? क्यूब हमारा इस शेप में होता है। इसकी जो सारी साइड्स होती हैं बच्चों, इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। और इन सारी साइड्स को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे डिनोट करते हैं? हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से या एस से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एज। साइड को हम क्या कहते हैं? एज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहला आता है हमारा लेटरल सर्फेस एरिया। लेटरल सर्फेस एरिया क्या होता है हमारा? फोर इंटू में एज का स्क्वायर, मतलब फोर ए का स्क्वायर, फोर ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम आता है हमारा टोटल सर्फेस एरिया। इसका टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है? सिक्स इंटू में एज का स्क्वायर, मतलब क्या कह सकते हैं हम इसको? सिक्स ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा वॉल्यूम, किसमें कितनी मटेरियल आ सकता है, मतलब हमारा एज का स्क्वायर, मतलब ए का क्यूब। क्या हो गया बच्चों हमारा? ए का क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, क्यूब। ठीक है, हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ लिया, क्यूब के बारे में पढ़ लिया। अब आगे आता है हमारा स्फीयर। क्या आता है बच्चों हमारा? स्फीयर। ये सर्कल की 3D शेप होती है। ठीक है, ये क्या होती है हमारी? सर्कल की 3D शेप होती है। इस टाइप में कुछ होता है हमारा। ठीक है, ये तो ओवल टाइप बन गया। ठीक है, ये सर्कल की क्या होती है? 3D शेप होती है। इसका आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब भी कहे बच्चों, ये क्या होता है हमारा? टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है हमारा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4πr का स्क्वायर। क्या होता है? 4πr स्क्वायर। और r क्या होती है बच्चों हमारे यहाँ पर? रेडियस होती है। क्या होती है बच्चों हमारे यहाँ पर? r रेडियस होती है। ठीक है, फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr क्यूब। ठीक है, फिर आता है हमारा हेमिस्फीयर। क्या आता है बच्चों? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो होता है, स्फीयर का हाफ होता है। हेमिस्फीयर जो होता है,
स्पेयर का क्या होता है बच्चों, हाफ होता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई बाउल हो गया, क्या हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है कोई बाउल होता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, हमारा हेमी स्पेयर हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारी कोई बॉल हो गई, ठीक है, बॉल भी क्या होती है, स्फीयर टाइप में हुई होती है, ठीक है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πr², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3πr², वॉल्यूम क्या होता है, 2/3πr³, ठीक है। ये हो गया स्फीयर और हेमी स्फीयर। अब अगला आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता है शेप में होता है, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, हमारी हाइट होती है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो होती है हमारी वो क्या होती है, रेडियस, और जो पूरी होती है वो क्या होती है, हमारी डायामीटर, ठीक है। अब ये जो होता है, ये ऊपर वाला टॉप और ये नीचे वाला बॉटम, ये क्या होता है, सर्कल की शेप में होता है, और इन दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी रेडियस हो गई। अब इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ईच एंड और बेस, मतलब सर्कल का जो होता है हमारा एरिया वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr h, कितना होता है, 2πr h, h हमारी हाइट और r हमारी रेडियस, ठीक है। टोटल सर्फेस एरिया इंक्लूडिंग बोथ एंड्स, दोनों एंड्स को मिला के, ठीक है, ये होता है हमारा 2πr h प्लस में 2πr² अगर इसमें से हम क्या कॉमन निकालें, 2πr कॉमन निकालें, तो क्या बचा अंदर, h प्लस में r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है हमारा πr² h, क्या होता है बच्चों, πr² h, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आता है हमारा कोन इज अ पिरामिड। कोन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पिरामिड विद अ सर्कुलर बेस। इसकी बेस कैसी होती है, सर्कुलर होती है, मतलब सर्कल की शेप में होती है, ठीक है। ये होता है हमारा हाइट, ये होती है हमारी स्लैंट हाइट। एल को हम किससे डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट से, किससे, मतलब स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं हम, एल से। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एल के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट का। एच क्या होती है हमारी यहाँ पर, हाइट होती है, और आर क्या होती है बच्चों, हमारी यहाँ पर रेडियस होती है, क्या होती है आर हमारी, रेडियस। ठीक है, और ये हमारी सेम क्या होती है, हमारी रेडियस, और ये कितने डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है। इसको कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, स्लैंट हाइट का बताया मैंने, यही होता है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है बच्चों, पाई आर एल, यहाँ पर एल की जगह फॉर्मूला भी रख दिया इसका, ठीक है। यहाँ पर आता है फिर टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में अगर हम पाई आर कॉमन निकाल ले तो बच्चा क्या, यहाँ पर एल बचा प्लस में आर बचा, ठीक है। फिर आता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr² h, 1/3πr² h, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर। और एक और चीज बच्चों, जो हमारा वॉल्यूम होता है, जो हमारा वॉल्यूम होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में आता है, क्यूब। जैसे हमारा सेंटीमीटर है, क्या है, तो ये किसके फॉर्म में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर है तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। और mm क्यूब हमेशा किसकी फॉर्म में आता है, जो हमारा क्यूब वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब के फॉर्म में होता है। जो हमारा सरफेस एरिया बोल लो या कर्व सरफेस एरिया बोल लो, वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। किस में आता है बच्चों, स्क्वायर में, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया जो होता है वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। और जो वॉल्यूम होता है वो किस में आता है, क्यूब के फॉर्म में आता है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। द लेटरल सरफेस एरिया, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है। हमें क्या दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है। सबसे पहले हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है क्यूब का, ये होता है हमारा 4a², क्या होता है बच्चों, 4a², और ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, 256 के। किसके दे रखा है बच्चों, 256 के। यहां से हम a निकाल सकते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, ये आ गया 256 अपॉन में 4, काटेंगे 6 6 24, ये आ जाएगा हमारा 4 64, कितना आ गया 64। ये स्क्वायर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रूट में, ठीक है। ये आ गया 64, किसका रूट होता है, ये होता है हमारा 8 का, क्या होता है, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8, a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना, क्या निकालना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारा a क्यूब, क्या होता है, a क्यूब। और a क्या है हमारी, 8, तो 8 का क्यूब कर देंगे, और 8 का क्यूब क्या होता है हमारा, होता है 512, कितना होता है 512। और ये हमारा मीटर में चल रहा है, किसमें चल रहा है, ये मीटर में, तो हमारी
ये आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा मीटर क्यूब 512। और इसका ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ए ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है ए। ठीक है, पर हमने क्या निकाला, ये निकाला लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ से हमने लेटरल सरफेस एरिया में दे रखी थी, यहाँ से हमने ए निकाल लिया, हमें वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले पुट कर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r। द रेडियस कितनी दे रखी है, 2r दे रखी है। देन हमें बताना है वॉल्यूम विल बी, कि वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 πr³। कितना होता है, 4/3 πr³। ठीक है, और हमें रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, रेडियस दे रखी है 2r। कितनी दे रखी है, 2r। ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं, 4/3, ठीक है, पाई को ऐसे रहने दो, r कितना है हमारा 2r³। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4/3 πr, ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा हमारा r³। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 πr³ अपॉन में कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है बच्चों, हमारा ऑप्शन है डी। और किस में आएगी क्यूब, जो हमारी यूनिट होगी वो किस में आएगी, क्यूब में आएगी। किस में आएगी बच्चों, क्यूब में आएगी। ठीक है, ठीक है, हमें जो रेडियस थी वो 2r दे रखी थी, बस हमने रेडियस को पुट करा, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो जो सारे ऑप्शन है वो हमें उसमें किस में है, पाई में है, तो इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक सिलेंडर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सिलेंडर, उसकी जो रेडियस है वो डबल हो जाती है, जिसकी रेडियस है वो क्या हो जाती है, डबल, मतलब जो हमारी रेडियस थी उससे क्या हो गई, डबल हो गई। पहले मान लेते हमारी जो रेडियस थी वो आर थी, तो वो क्या हो गई हमारी, डबल हो गई। ठीक है, एंड हाइट इज हाफ, जो हमारी हाइट जो हम मान लेते क्या थी हमारी, एच सी, हाइट क्या थी, एच सी, अब वो क्या हो गई हमारी, हाफ हो गई, क्या हो गई हमारी, हाफ हो गई। अब हमें बताना है कर्व सरफेस एरिया विल बी, कि कर्व सरफेस एरिया होगा क्या, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2πr h, क्या होता है बच्चों, 2πr h। ठीक है, अब 2π को ऐसे रहने दो, r कितनी है हमारी, 2r, कितनी है 2r, और h कितनी है, h है हमारी h/2, कितनी है बच्चों, h/2। ठीक है, अब ये कटा कितना आ गया, 2πr h, फिर से वही आ गया जो हमारा पहले था, फिर से वही आ गया। तो हमें बताना है कि हाफ हुई, हाफ नहीं हुई, डबल नहीं हुई, क्या रह गई, सेम रह गई। ठीक है, जो पहला था कर्व सरफेस एरिया वही हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे केस स्टडी दे रखी है, द नेशनल सर्विस स्कीम NSS इज एन इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमारे कौन दे रखा है। ठीक है, द वॉलंटियर इफ द वर्टिकल हाइट एंड द डायमीटर, हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। हाइट कितनी है बच्चों, यहाँ पर हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 3 मीटर। कितनी है हाइट, 3 मीटर है हमारी हाइट है, वो कितनी है बच्चों, 3 मीटर है। और जो हमारा डायमीटर है वो बच्चों कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। हाइट जो है वो हमारी 3 मीटर है, और जो हमारा डायमीटर है वो कितना है, 8। अगर हम इसकी रेडियस निकालें, रेडियस निकालने के लिए क्या कर देंगे हम इसको, हाफ, तो कितना आ गया, 4 मीटर। कितना आ गया रेडियस, 4 मीटर आ गई। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंड विड्थ, विड्थ जो है वो कितनी दे रखी है, 250 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है विड्थ, 250 सेंटीमीटर। और ये हमारा किस में, मीटर में। पहले इसमें हम क्या बना लेते हैं, इसको मीटर में बना लेते हैं। मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 2.5 मीटर। ये जो हमारी विड्थ आई है ये कितनी आई है बच्चों, 2.5 मीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, देन द आंसर द फॉलोइंग, हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है, मुझे 3.14। कुछ ये क्वेश्चन से रखे हैं, हमें इनके आंसर निकालने, व्हाट इज द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉनिकल टेंट की स्लैंट हाइट निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, और हमारा एच कितना दे रखा था बच्चों, एच हमारा 3 था, और रेडियस कितनी थी, 4। जो हमारा हाइट थी वो कितनी थी, 3, और जो हमारी रेडियस थी वो कितनी थी बच्चों, 4। ठीक है, फॉर्मूला खोल, इसका वो खोल लेते हैं, स्क्वायर ये हो जाएगा 3 3 9, 4 4 16, ऐड करेंगे कितना आएगा, 25। और 25 किसका होता है बच्चों, 5 को। और ये जो थी हमारी किसमें चल रही थी, मीटर में। तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन, क्या आ गया, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाया ये आता है, क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। ठीक है, और यूनिट किस में होती है, स्क्वायर में होती है, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर में। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारा सी।
आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रैपोलिन यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रैपोलिन यूज्ड, कि एरिया ट्रैपोलिन का एरिया निकालना है हमें। तो हमारा जो कॉनिकल टेंट था वो किस शेप में था, कोन शेप में था, तो उसका एरिया कितना होगा हमारा, पाई आर एल। कितना होता है एरिया, पाई आर एल। ठीक है, और हमें पाई की वैल्यू कितनी रखनी थी बच्चों, 3.14। और रेडियस कितनी थी हमारी, रेडियस कितनी थी हमारी यहाँ पर, ये थी हमारी 4। कितनी थी बच्चों यहाँ पर, 4। और एल कितनी थी हमारी, 5। कितनी आई थी हमारी, 5। ठीक है, ये आ गया हमारा 3.14, ये हो गया 5 4 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते थे, 4 2 8, 2 3 2 6, ये आ गया 62.8। क्या आ गया, 62.8। और किसमें आएगा, ये मीटर में चल रहा था तो आ गया मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, क्या है, 62.8 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों, ये ऑप्शन है, क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैपोलिन यूज, की लेंथ क्या है ट्रैपोलिन की। हमारा फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, एल इंटू में बी। क्या होता है, एल इंटू में बी। ठीक है, हमें लेंथ चाहिए तो हम इसको नीचे ले आएंगे। ब्रेथ को हम क्या कहते हैं, विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, विड्थ लिख लेते हैं। ठीक है, हमें एल चाहिए। अभी हमने एरिया निकाला, एरिया कितना निकाला था हमने, 62.8। कितना निकाला था, 62.8। और जो हमारी विड्थ थी वो कितनी थी, 2.5। कितनी थी बच्चों, 2.5। ठीक है, अगर ये गया यहाँ से और ये आ गया हमारा एल, जो आएगा वो आएगा हमारा 25.12। कितना आएगा बच्चों, 25.12। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, डी होगा। ठीक है, कितना होगा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैपोलिन यूज, हमें बताना है कि लेंथ कितनी यूज है ट्रैपोलिन में, इफ अगर 10% एक्स्ट्रा मटेरियल हमने लिया स्टिचिंग के लिए और वेस्टेज इन कटिंग। हम मान लेते हैं कि इसमें स्टिचिंग के लिए और हम जो वेस्ट होगा उसमें कटिंग में, उसके लिए हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 10% एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, तो हमें बताना है लेंथ क्या निकलेगी। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा लेने के बाद लेंथ क्या निकलेगी। तो हमारा जो एरिया आया था वो कितना आया था बच्चों, 62.8 आया था। ठीक है, इसी का 10% निकाल लेते हैं, 62.8 आया था। ठीक है, इसका 10% निकालेंगे, ये हो जाएगा 6.28। कितना हो गया बच्चों, 6.28। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि 10% हम ले रहे हैं। ठीक है, 62.8 प्लस में 6.28 ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा 69.8। कितना आ जाएगा बच्चों, 69.8। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी, क्या निकालनी है, लेंथ। फिर से वही लगेगा, एरिया अपॉन में विड्थ, क्या होता है हमारा, एल होता है। ठीक है, एरिया कितना है हमारा, 69.8, और विड्थ कितनी थी, 2.5। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27.63। कितना आ जाएगा बच्चों, 67.63। और ये क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, आंसर। ठीक है, बस हमने क्या लिया, 10% एक्स्ट्रा लेना था, उसमें ऐड करना था, तो जो हमारा पुराना एरिया था उसी में हमने क्या कर दिया, उसको 10% ऐड करके फिर हमने लेंथ निकाल दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्या दे रखा है, सर्फेस एरिया ऑफ किसका दे रखा है, क्यूबॉइड का दे रखा है, 1372 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सर्फेस एरिया बोल रखा है, तो ये क्या होगा बच्चों हमारा, क्या होगा ये हमारा, टोटल सर्फेस एरिया। क्या होगा ये, टोटल सर्फेस एरिया, इफ इट्स डायमेंशन आर इन द रेशियो। क्या दे रखी है हमें, रेशियो में दे रखी है। ठीक है, हमें निकालनी है लेंथ, निकालनी है, क्या निकालनी है, लेंथ। जब भी रेशियो में दे रखा हो तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान के चलते हैं। ये आ गई हमारी फर्स्ट वाली लेंथ, और ये क्या आ गई, ब्रेथ, और ये कितने आ गए बच्चों, हाइट आ गई। अब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है हमारा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच और प्लस में एच एल। ठीक है, ये होता है, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 1372। ठीक है, अब कर लेते हैं इसे कैलकुलेट, 2 एल कितना हमारे पास, 4x, बेस कितना है हमारे पास, 2x, और बेस फिर से 2x, फिर से क्या है, हाइट कितनी है, x, फिर से हाइट हमारी x, और l कितनी हमारे पास, 2x, और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों, 1372। ठीक है, ये चल रहा है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 2 8 x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब किसके इक्वल चल रहा है, 1372। अब इसको प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 14x स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों, 14x स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल में क्या चल रहा है, 1372। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 चल रहा है। ठीक है, 14 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28x स्क्वायर, और ये चल रहा है 1372। इसको नीचे लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, नीचे आके कितना हो जाएगा, डिवाइड में 1372, ये आ गया 28। अगर हम इसको काटेंगे ये आएगा हमारा 49। कितना आएगा बच्चों, 49। ठीक है, स्क्वायर वहाँ जाए कितना हो जाएगा, रूट
49 का रूट करेंगे ये आ जाएगा हमारा 7, कितना आ गया 7। हमें निकालनी क्या है, लेंथ निकालनी, क्या निकालनी है लेंथ, लेंथ कितनी है हमारी 4x, कितनी है बच्चों 4x, ठीक है। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 7, कर देंगे 4 इंटू में 7, कितनी आ गई 28 मीटर, कितनी आ गई बच्चों 28 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी, और लेंथ कितनी आ गई बच्चों हमारी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमें क्या दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है बच्चों 2 पाई आर एच, कितना होता है बच्चों 2 पाई आर एच, ठीक है। और हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो हाइट है, हाइट जो है वो कितनी है बच्चों 14 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, और जो कर्व सरफेस एरिया वो कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 88, ठीक है। हमें निकालनी क्या है, हमें रेडियस निकालनी है ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। हमें काम करते हैं इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 2 इंटू में ही हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, और हमें पता नहीं और हाइट कितनी है 14, ये हो गया 88। इस सबको उठा के उधर ले जाओ आर को छोड़ के, ठीक है 88, 7 ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू में 20, 2 इंटू में 14, ठीक है। ये हो जाएगा 7 × 14 और ये आ गया 2 और ये आ गया हमारा 8, कितना आ गया बच्चों 8, ठीक है। अब ये इससे कटा और आर की वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी आ गई बच्चों 1, ठीक है। और हमें निकालनी क्या आती, रेडियस निकालनी थी, और ये किसमें आई है सेंटीमीटर में, किसमें आई है सेंटीमीटर में, कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ मिल्क, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ मिल्क है ना, कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर इतना दे रखा है कैन होल्ड, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है उसमें बताना है कि कितना लीटर ऑफ मिल्क आ सकता है, ठीक है। और जिसका डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 10.5, कितना दे रखा है 10.5, और हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चों 3.14, हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है। अब हमें डायमीटर कितना दे रखा है 10.5, हम क्या निकाल लेते हैं रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर कितना दे रखा है 10.5, रेडियस निकालने के लिए करेंगे 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा हमारा 5.25, और किसमें है सेंटीमीटर में है, तो हमारी जो रेडियस आई है वो कितनी आई बच्चों 5.25, ठीक है। पुट कर देते हैं 2/3, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14, और इसकी वैल्यू रखनी है 5.25, ठीक है, और का होल क्यों ये रखनी है, ठीक है। अगर हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 302.91, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये आ गया 302.91, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमें निकालना है किसमें, हमें बच्चों निकालना है लीटर्स में, किसमें निकालना है लीटर्स में, ये आया किसमें है, ये किसमें चल रहा था सेंटीमीटर में, तो ये आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ये हमारा आंसर किसमें आया सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें इस किसमें निकालना है लीटर्स में निकालना है, एक काम करते हैं इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 303, कितना हो जाएगा बच्चों 303, ठीक है। अब हमें लीटर्स में निकालना है, तो लीटर्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड, ठीक है। अभी काटेंगे आ जाएगा 0.303 लीटर्स, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर्स हैं बहुत सारे, 3 स्फीयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनकी रेडियस दे रखी है, एक की है 6 मीटर, एक की है 8 मीटर और एक की है 10 मीटर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आर दी मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, इन तीनों को क्या करा गया, मेल्ट करा गया, मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, ठीक है। हमें बताना है जो हमारा रेडियस बनाया, मतलब जो हमारा स्फीयर बनाया गया इन तीनों को पिघला के, तो उसकी रेडियस क्या होगी, हम क्या करेंगे, जो इन तीनों का वॉल्यूम होगा, इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, जो बनाया गया, ठीक है, तो इसका जो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब तीनों का अलग अलग लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसको 1 मान लेते रेडियस 1, फिर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, फिर 4/3 पाई आर क्यूब क्यूब, ठीक है, फिर इन तीनों को पिघला के एक बनाया गया, ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इनकी रेडियस पुट कर लेते हैं, काम करते हैं, इन तीनों में 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट का
ये आ जाएगा हमारा रेडियस 1, और ये कितनी है 6 का क्यूब, ये आ जाएगी हमारी 8 का क्यूब, और ये आ जाएगी हमारी 10 का क्यूब, ठीक है। और ये आया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब 4, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों इनका क्यूब, ठीक है कर लेते हैं 4/3, 6 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 218, 8 का क्यूब कितना होता है बच्चों 512, और इसका हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। और ये क्या चल रहा है 4/3 पाई आर क्यूब 4, देखो इससे ये कट गया, ठीक है ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करके आएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा 8 और 10, ये आ जाएगा 1728, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा है आर क्यूब, क्या चल रहा है आर क्यूब। अब 1728 किसका क्यूब होता है बच्चों, ये होता है हमारा 12 का क्यूब, किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब, और ये आर का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12, कितनी आ गई 12। और यही हमें निकालनी थी, और ये किस में आई है, ये आई है हमारी मीटर में, किस में आई है बच्चों मीटर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, हमें क्या दे रखी है रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है सिलेंडर की, किसमें रेशियो में, किसमें दे रखी है बच्चों रेशियो में, और हमें वॉल्यूम दे रखा है 4400 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हमें निकालने क्या है रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालनी है, ठीक है। जब भी मैंने बताया था रेशियो में दे रखा हो तो क्या मान के चलते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी रेडियस, और ये कितनी हो गई बच्चों हमारी हाइट, ठीक है। अब सिलेंडर का हमें क्या निकालना है वॉल्यूम दे रखा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और ये कितना है 4400, वैल्यू पुट कर देते हैं हो जाएगा 22/7, और ये हो जाएगा 5x इंटू में 5x, और इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 7x, और क्या चल रहा है 4400, ठीक है। ये सब को उठा के ले जाते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 7 से 7 गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 25x2, x क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा x क्यूब 3 बार है, ये गया उधर, ये आ जाएगा 44, और ये आ जाएगा हमारा 22 इंटू में 25, ठीक है। इससे गया और ये आया हमारा 400, ठीक है। फिर ये जाएगा, ये आएगा हमारा 200, कितना आ गया बच्चों 200, फिर 25 को काटेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8, कितना आ गया बच्चों 8, और 8 किसका क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, किसका होता है 2 का, और ये क्यूब से क्यूब गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, हमें रेडियस निकालनी थी, रेडियस कितनी हमारी 5x, कितनी है बच्चों 5x, यहाँ पर पुट कर लेते हैं हमारी रेडियस जो है वो कितनी है 5x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये आ गई हमारी 10। हमारी जो रेडियस आई है वो किस में आई है सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर, कितनी आई रेडियस बच्चों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, एक सिलेंड्रिकल बाउल है, क्या एक सिलेंड्रिकल बाउल है, एन इंटरनल डायमीटर जिसका डायमीटर कितना है 18 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों 18 सेंटीमीटर। अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे, तो हमारी जो रेडियस आई है वो कितनी आई है 9 सेंटीमीटर, कितनी आई बच्चों 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हाइट है, हाइट है कितनी दे रखी है हमें 15, कितनी दे रखी है बच्चों 15, और वो किससे भरा हुआ है, पूरा जो बाउल है वो किससे भरा हुआ है, फुल ऑफ लिक्विड है, ठीक है, फुल ऑफ लिक्विड है, एंड द होल ऑफ द लिक्विड इज टू बी फिल्ड विद स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल्स, और जो पूरा जो लिक्विड है और वो हमें किससे भरना है, स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल से भरना है, ठीक है। ऑफ द डायमीटर जिसके डायमीटर, ये हमारे सिलेंड्रिकल बाउल की है, सिलेंड्रिकल क्या है ये बाउल है, ठीक है, और हमें उसकी दे रखी है किसके बॉटल्स की, बॉटल्स की हमें जो हाइट है, जो हमें डायमीटर है, सबसे पहले जो डायमीटर है वो कितना है 3 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 3/2, ठीक है। और हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 4 सेंटीमीटर, कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ईच बॉटल इज सॉलिड फॉर 5 रुपीज, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ अर्न, हमें बताना है कि कितना, एक बॉटल जो है उसका प्राइस कितना है 5 रुपए, हमें बताना है कितने हम अर्न करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बॉटल पता लगाएंगे कि बॉटल है कितनी, तो हम क्या करेंगे दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, सबसे पहले किसका वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंड्रिकल बाउल का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे अभी, ठीक है। और आर कितनी है हमारी, आर कितनी है बच्चों 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और एच कितनी है बच्चों, एच कितनी है हमारे पास, एच कितनी है, एच कितनी है 15, ठीक है 15 है। अब 9 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, और 81 इंटू में 15, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 81 और 15 5 मतलब 5 और 5 40,
ठीक है, ए वन और ये आ जाएगा एट, और ये आ गया मेरा 1 2 1 5। कितना आ गया बच्चों? 1 2 1 5। और क्या चल रहा है? पाइप भी चल रहा है। ठीक है, ये तो आ गया हमारा सिलेंड्रिकल बाउल का। ठीक है, सिलेंड्रिकल बाउल का वॉल्यूम अब किसका निकालेंगे? बॉटल का निकालेंगे। बॉटल का निकाल लेते हैं, हमारे पास रेडियस है सिलेंड्रिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, सिलेंडर है फिर से, कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई को ऐसे रहने देंगे। रेडियस थी हमारी 3/2, आर इंटू में 3/2, और जो हमारी हाइट थी, जो हमारी हाइट है वो कितनी है बच्चों? 4। कितनी है? 4। इससे ये गया, कितना आ गया? 9 पाई। कितना आ गया? 9 पाई। अब हमें बताना है, अब हमें बताना है कि कितनी बॉटल फिल होंगी। हमें बताना है नंबर ऑफ बॉटल्स, उसको हमने मान लिया एन। क्या मान लिया? एन मान लिया कि कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स फिल होंगी। ठीक है, किसके इक्वल होगा वो? वॉल्यूम ऑफ बाउल के, कि जितना बाउल में लिक्विड है उतनी ही तो नंबर ऑफ बॉटल्स भरी जाएंगे। ठीक है, तो इसके इक्वल होगा। अब हमारा जो था वॉल्यूम ऑफ बॉटल कितना आया था? वॉल्यूम ऑफ बॉटल ये हमारा किसका है? बाउल का है। और जो हमारा ये हमारा बॉटल का है, जो किसका है? ये हमारा बॉटल का, बॉटल का कितना है? 9 पाए। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 9 पाए। और हमारा बाउल का कितना है? 1 2 1 5। कितना है बच्चों? 1 2 1 5। ठीक है, इतना आया। अब क्या करेंगे? इसको काट पीट देंगे, पाई से पाई गया और ये 1 2 1 5 है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 2 1 5/9। ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा हमारा 3, फिर आ जाएगा हमारा 5। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 135। कितनी बॉल भरी जाएंगे उससे? 135। ठीक है, और हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि एक की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए है। तो सारी बॉटल की कॉस्ट कितनी होंगी? तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ बॉटल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 135 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 रुपीज से। ठीक है, फिर आ जाएगा 5 5 25 5 3 15, और ये आ जाएगा 1, ये आएगा मेरा 5 5 25 5 15 5 6 75। ठीक है, ये आएगी हमारी पूरी टोटल कॉस्ट। क्या आएगी बच्चों? ये हमारी पूरी टोटल कॉस्ट कितनी? इतने रुपीज़ हम क्या करेंगे, मतलब अर्न करेंगे। ठीक है, इतनी बॉटल्स, कितनी बॉटल थी? 135 थी, और एक बॉटल की कॉस्ट कितनी बच्चों? 5 रुपए थी। हमने क्या करा, 135 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया हमारा, कितनी कॉस्ट आई हमारी पूरी टोटल? ये आ गई हमारी 675। ये हम 675 क्या करेंगे, इतने अर्न करेंगे इतनी बॉटल्स से। ठीक है, चलिए चलो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।